हिमाचल प्रदेश के पहाड़ भी इस बार बर्फ से ढके रहे। नवंबर से शुरू हुआ बर्फबारी का दौर अब भी जारी है। ऐसे में सबसे ज्यादा मुसीबत सड़क बंद होने से होती है और खराब मौसम के बावजूद BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवान दिन रात एक करके सड़कों से बर्फ हटाकर उन्हें चलने लायक बनाते हैं। हिमाचल प्रदेश में 479 किलोमीटर लंबे मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग से बर्फ हटाने का काम शुरू हुआ। लाहौल जिले के दारचा में पूजा की गई, उसके बाद दारचा से बरालचा तक सड़क से बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरे इलाके में अब भी बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। सड़क के किनारे बर्फ की दीवार जैसी बन गई है। सड़क पर विधिवत पूजा की गई, स्नो कटर और JCB का भी तिलक किया गया। नारियल फोड़कर काम के सकुशल पूरा होने की कामना की गई। विकट परिस्थिति में रास्ता साफ करना और जहां खराब हुआ है वहां बनाना वाकई BRO जवानों के लिए चुनौती भरा काम होता है, लेकिन जवानों का जोश देखते ही बनता है। सामरिक दृष्टि से मनाली ले मार्ग बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस मार्ग को खोलना सेना के लिए प्राथमिकता होता है। पूजा अर्चना के बाद मनाली लेह मार्ग से बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया। इस परियोजना के चीफ इंजीनियर ब्रिगेडियर MS बाघी ने कहा कि परिस्थितियां ठीक रही तो अप्रैल के अंत तक मनाली को लेह से जोड़ दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ भी इस बार बर्फ से ढके रहे। नवंबर से शुरू हुआ बर्फबारी का दौर अब भी जारी है। ऐसे में सबसे ज्यादा मुसीबत सड़क बंद होने से होती है और खराब मौसम के बावजूद BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवान दिन रात एक करके सड़कों से बर्फ हटाकर उन्हें चलने लायक बनाते हैं। हिमाचल प्रदेश में 479 किलोमीटर लंबे मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग से बर्फ हटाने का काम शुरू हुआ। लाहौल जिले के दारचा में पूजा की गई, उसके बाद दारचा से बरालचा तक सड़क से बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरे इलाके में अब भी बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। सड़क के किनारे बर्फ की दीवार जैसी बन गई है। सड़क पर विधिवत पूजा की गई, स्नो कटर और JCB का भी तिलक किया गया। नारियल फोड़कर काम के सकुशल पूरा होने की कामना की गई। विकट परिस्थिति में रास्ता साफ करना और जहां खराब हुआ है वहां बनाना वाकई BRO जवानों के लिए चुनौती भरा काम होता है, लेकिन जवानों का जोश देखते ही बनता है। सामरिक दृष्टि से मनाली ले मार्ग बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस मार्ग को खोलना सेना के लिए प्राथमिकता होता है। पूजा अर्चना के बाद मनाली लेह मार्ग से बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया। इस परियोजना के चीफ इंजीनियर ब्रिगेडियर MS बाघी ने कहा कि परिस्थितियां ठीक रही तो अप्रैल के अंत तक मनाली को लेह से जोड़ दिया जाएगा। बर्फ से ढकी पहाड़ियां, पेड़, पहाड़ और बर्फ का लंबा चौड़ा मैदान, नजारा स्विट्जरलैंड जैसा है, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश का नरकंडा है, स्कीइंग के लिए आदर्श स्पॉट। इस बार आसमान कुछ ज्यादा ही मेहरबान रहा। बर्फबारी का जो दौर, डिजिटल वर्ल्ड में नई क्रांति, खबरों की दुनिया में धमाका, सबसे पहले सबसे सटीक, बस एक क्लिक खुल जाएगी पूरी दुनिया। www.zhindustan.in